असलकुम मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से आज आपको कंपायलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर नंबर 31 में खुश कहता हूँ पिछले लेक्चर में हमने समैटिक एनालिसिस के सिलसिले में कार्रवाई शुरू की थी और इससे पहले हमने सिंटैक्टिक एनालिसिस जिसमें हमने लेक्सिकल एनालिसिस और उसके बाद पार्सिंग के बारे में काफ़ी तफसील से गुफ्तु -गु करते हुए फ़िलहाल उसको हमने कहा कि यहीं हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद मैंने आपके सामने कुछ सवाल पेश किए थे जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखते रहते हैं और इन क्वेश्चंस का ताल्लुक था ऐसी चीजों से फॉर एग्जांपल कि ये वेरिएबल जो है इसकी टाइप अगर ये है तो क्या इसका इस्तेमाल ठीक हो रहा है अगर एक अरे आपने डिकलेयर की है तो क्या उस अरे का भी इस्तेमाल जो है वो ठीक हो रहा है रेफरेंस के हिसाब से भी और उसके वो जो इंडेसीज है उसके हिसाब से भी फिर मैंने कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात की कि यह भी एक इश्यू है कि अगर लैंग्वेज में आप पॉइंटर्स अलाउ करते हैं तो क्या वो सही चीज को पॉइंट कर रहे हैं यानी कि अगर आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है लेट्स से सी में या सी प्लस प्लस में और उसने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को पॉइंट करना है तो क्या आप वाकई उसको उस चीज का एड्रेस देते हैं जहां पर कैरेक्टर स्ट्रिंग मौजूद है और इस तरह के कई और इश्यूज लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे यह पूछा था कि क्या आप कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर्स के हवाले से ये जो बातें हैं इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं यानी कि आप अपनी ग्रामर में ऐसे रूल्स डाल सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल यह चीज चेक करे कि अरे जो है अगर वन डायमेंशनल है तो उसका इस्तेमाल भी वन डायमेंशनल है यानी कि एक ही इंडेक्स उसमें इस्तेमाल हो रहा है इवेंचुअली जो मैंने जिक्र किया था लेक्चर के आखिर में कि ये सवालात असल में कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर से नहीं हैंडल हो सकते इसके लिए हमें कुछ और कार्रवाई करनी पड़ेगी अब आप अगर ये पूछें कि भई इन चीज़ों की जरूरत क्या है ठीक है रन टाइम पे एरर्स आएंगे वहां पे एरर आने दो रन टाइम फॉल्ट होगी यूजर जो है उसको खुद समझने का शायद उसमें मौका तो ना मिले लेकिन उसको सोचना पड़ेगा कि भाई ये एरर जो है ये क्यों आया है और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया शायद उसके लिए दिक्कत वाली बात हो जाए कि भाई ये एरर की असल वजह क्या है खास तौर पर अगर वो मेमरी एलोकेशन और इस किस्म के एरर्स हैं एनी वेज़ जो बात हमने फिर शुरू की थी वो ये कि ये बातें जो हैं ये कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर से एक लिहाज से अलहदा हैं कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर्स जो हैं वो जनरली इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती वो आप सिंटेक्स एनालिसिस के जरिए आप उनको इस्तेमाल करते हैं और पार्सर जो है हमने देखे हैं कि वो सारे अब तक कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर्स इस्तेमाल करते आए हैं ये चीज़ें करने के लिए हमने गुफ्तु फिर इस तरफ फेर दी कि ये असल में समेंटिक्स की डोमेन में हम चले गए हैं जहाँ पे लैंग्वेज के इश्यूज आ जाते हैं और आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में जब हम पार्सर की मुख्तल स्टेजस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर याद है वो मैंने इंग्लिश का फिक्रा आपको दिखाया था कि ही रोट अ कंप्यूटर और ही रोट अ प्रोग्राम और इन दोनों फिक्रों के स्ट्रक्चर के बारे में कहा था कि ये दोनों सही हैं सिंटैक्टिकली लेकिन एक फिक्रा जो था वो मीनिंग के लिहाज से सही था दूसरा जो है वो मीनिंग के लिहाज से गलत था अब जहां तक नेचुरल लैंग्वेजेस का ताल्लुक है यानी कि जो हम खुद आपस में बातों में इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी हो जाए उर्दू हो जाए या कोई और लैंग्वेज इसमें अगर आप सोचें तो मीनिंग जो है वो आप कैसे डिटर्मिन करते हैं कि वो ठीक है कि वह गलत है अब ये वो लैंग्वेज ट्रेनिंग है यानी कि रोज़मर की गुफ्तु में हम जो फकर्रे बोलते हैं उनके मीनंग्स जो हैं वो भी हम एक लिहाज से सीखते हैं और अगर हमें कोई फ़िका दिया जाता है तो ठीक है हम उसका सेंटेक्स एनालिसिस करते हैं लेकिन उसके फ़ौर बाद हम उसके मीनिंग की तरफ तोज्जो देते हैं कि आखिर इस फकरे के जरिए मुझसे या हमसे क्या कहा जा रहा है अब यह बात जो है कंप्यूटर को किस तरह समझाई जाए यहां पे आप यह कह सकते हैं कि ठीक है यहां पे मैंने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम्स की बातें होती हैं जहां पे ऐसे लगता है कि कंप्यूटर को भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बातें समझाते हैं कि फिक्रों का मतलब क्या है हाँ वो भी एक एरिया है और इन आपको ये एरियाज जो है यह कवर करने का मौका मिलेगा लेकिन यहां पे हम इस कोर्स के हवाले से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हम अपने आप को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और यहां पे जो सीमेंटिक्स हैं वो भी एक एक, एक लिहाज से लिमिटेड कह लें या एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जिसमें हम ऑपरेट करेंगे अब आज के लेक्चर से जो कार्रवाई शुरू हो रही है वो सीमेटिक एनालिसिस की है और इसके लिए हम स्ट्रेटजीज कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ प्रोसीजर्स इस्तेमाल करेंगे जो कि इवेंचुअली फिर आपको भी मौका मिलेगा कि अपने प्रोजेक्ट में उनको इम्प्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि आपका ही कंपाइलर बना हुआ किस तरह किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपका कंपाइलर पार्स करता है उसके अंदर ना सिर्फ सिंटैक्स एनालिसिस निकाल सकेगा बल्कि सीमेटिक एनालिसिस भी निकालेगा यह सीमेटिक एनालिसिस जो हैं ये असल में कोड जनरेशन के हवाले से भी इम्पॉटेंट है क्योंकि अगर ऐसी गलतियां जो हैं वो ना पकड़ी जाएं तो या तो कोड जो जनरेट होगा बाद में याद है हमने इवेंचुअली असम्बली लैंग्वेज कोड फॉर एग्जांपल जनरेट करना है अगर इन सीमेटिक एनालिसिस के ना करने या इन में किसी फॉल्ट की वजह से वो कोड जो है वह गलत जनरेट हो गया तो ये भी चांस है कि जो औरिजिनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा था और जो रन टाइम पर उसका बिहेवियर है वो असल में مختلف है ऐसी तो बात नहीं है कि ठीक है सिमेंटिक एनालिसिस में गलतियां ढूंढ लो रिपोर्ट कर दो और आगे चलते जाओ नहीं हमें इस चीज का लिहाज रखना पड़ेगा कि सिंटेक्स के अलावा हम सिमेंटिक्स के बारे में भी पूरी तवज्जो तो दें तो आइए अब गुफ्तगु तो हम इन एलग्रेदम्स इन प्रोसीजर्स की जानब लिए चलते हैं जो कि इस लेक्चर में भी और आइंदा चंद लेक्चर्स में हम कवर करेंगे और उसकी बिना पर फिर जैसे कि मैंने अर्ज किया हम कुछ एलग्रेदमिक स्कीम्स डिवेलप करेंगे जो कि हम अपने ही कंपायलर में और आप समझ जाएंगे कि ये जो रियल लाइफ कंपाइलर्स हैं उनमें ये इम्प्लीमेंट हुई हैं तो आइए आप गुफ्तु शुरू करते हैं और मैं उन सवाल के बारे में पहले एक कमेंट या एक दो कमेंट्स आपके सामने पेश करता हूँ जो कि मैंने पिछले लेक्चर के आखिर में रेज किए थे वो ये जो कि मैं अभी कह चुका हूँ कि दीज क्वेश्चन ऑफ हॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्सट सेंसिटिव एनालिसिस और ये लव्स कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो है ये ग्रामर्स के हवाले से भी याद है आप डिस्कस कर चुके हैं दूसरे कोर्सेज में भी और इस कोर्स में भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तु की थी कि ये कॉन्टेक्सट सेंसिटिव का मतलब क्या है और जो दूसरी बड़ी बात कि आंसर्स डिपेंड ऑन वैल्यूज नॉट फॉर्ट्स ऑफ स्पीच और ये कि एंसर्स में इन्वाल्व कंप्यूटेशन ये जरा दो बातें देखिए कि जो आंसर्स हमें मिलेंगे इन क्वेश्चंस के दे विल डिपेंड अपॉन वैल्यूज अब ये वैल्यूज क्या होंगी अभी हम देखेंगे जो तलब बात है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होंगे एंड आंसर्स में इन्वॉल्व कॉम्पिटेशन हाउ कैन वी आंसर दीज क्वेश्चन अब बात यह कि ठीक है अभी सवालत मुझे नजर आए और इनको मैं समझ भी पा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग में इस तरह के सवालत या इस तरह की गलतियाँ भी करता रहता हूँ तो अब अगर मैं खुद एक कंपाइलर राइटर हूँ तो हाउ कैन वी और हाउ अस आंसर दीज क्वेश्चन जो हम इस वक्त कंपाइलर बना रहे हैं खुद उनमें चंद एक तरीके एक तरीका है कि फॉर्मल मेथड्स का सहारा लिया जाए और वो क्या हैं उनमें से दो मैं आपके सामने पेश करता हूँ पहला है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स का और दूसरा जो है वो है एट्रीब्यूट ग्रामर्स इनमें से ये जो पहला है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स इसके बारे में जैसे कि मैंने अर्स किया ऑटोमिक के कोर्स में भी और इस कोर्स में भी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं अलबत्त इस कोर्स में खास तौर पे हमने अब तक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स का सहारा नहीं लिया किसी भी चीज के लिए इसके अलावा ये जो एट्रीब्यूट ग्रामर्स हैं ये अब एक नया फॉर्मल मैथड है जिसकी हम डिस्कशन आज से शुरू करेंगे और इसकी बिना असल में हम बाद में एक और मैथड डेवलप करेंगे जो कि यहाँ पर देखिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फॉर्मल जो असल चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो असल में होगी इनफॉर्मल अब वो इनफॉर्म inform, इनफार्मेलिटी है क्या वो ठीक है हम बाद में देखेंगे लेकिन ये कि जो स्कीम्स हम या जो हमारे पास स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें से फॉर्मल मैथड्स के हवाले से दो कॉन्टेक्ट सेंसटिव ग्रामर्स और एट्रीब्यूट ग्रामर्स और जो असल में हम एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे उनके लिए मैंने कहा है कि ये एडहॉक टेक्निक्स हैं एक लिहाज से ये मेथड्स भी नहीं समझे कि प्रोग्रामिंग ट्रिक्स तो ना इनको कहिए लेकिन टेक्निक्स के हवाले से इन में आपको लगेगा कि इनफॉर्मेलिटी भी है और थोड़ी सी ठीक है फॉर्मेलिटी भी है प्रोसीजरल बातें भी हैं एलग्रिथमिक बातें भी हैं डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे लेकिन इनके इनके पीछे एक मुहरक है जो कि आपको अभी थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा अब यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है कि टेक्निक्स के हवाले से सिंबल टेबल्स और एडहॉक कोड अब ये दो बातें जो हैं ये हम बाद में जब मिसालें करेंगे और फिर आपको जब मौका मिलेगा प्रोग्रामिंग के हवाले से तो फिर ये पूरी तरह अयाम हो जाएगी कि ये सिंबल टेबल्स का मामला क्या है और ये जो एडहॉक कोड है वो क्या चीज़ है अब यहाँ पर ये जो मैथड्स हैं बेहतर है कि हम इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें कि आखिर ये हैं क्या अलबत्ता जैसे कि मैंने अभी से अर्ज कर दिया है कि हम फॉर्मल मेथड्स जो हैं उनको इन अ सेंस प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है यानी कि जो हम ख़ुद कंपाइलर बना रहे हैं और जनरली जो कंपाइलर बनाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं होते ये एडहॉक मेथड्स, एडहॉक टेक्निक्स हैं जिनमें से एक दो के बारे में मैंने आपके सामने कुछ बात कही है लेकिन इन जनरल ये काफ़ी टेक्नीकस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं लेकिन चूँकि ये एड हॉक जो हैं इनके पीछे जो मैंटेलिटी है जो थिंकिंग है जो स्ट्रैटीज़ हैं वो असल में एड हॉक में इस्तेमाल होती हैं तो आइए बेहतर है कि हम इन के बारे में थोड़ी सी गुफ्तु कर लें और उसके बाद फिर हम ऐडहाक टेक्निक्स जो हैं उनको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेमेस्टर इस्तेमाल करते रहेंगे आप देखेंगे कि किस तरह हम जो कोर्ट जनरेशन है इंटरमीडिएट रिप्रजेंटेशन है सीमेंटिकालिस है टाइप चेकिंग है रन टाइम इन्वामेंट के लिए जो चीज़ें हमने इस्टेबलिश करनी हैं ये सारी बातों में हम ये एड हॉक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते रहेंगे और इसमें जैसे कि मैंने अर्ज किया इनफॉर्मेलिटी होगी लेकिन सिस्टमेटिकली हम ये सारा काम करेंगे तो आइए पहले ये जो कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर्स का मामला और एट्रीब्यूट ग्रामर्स का मामला है इनको हम इन अ सेंस थियोरेटिकली देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम एड हॉक के बारे में ही ज्यादा गुफ्तु भी करेंगे और उनको इस्तेमाल भी करेंगे अच्छा जहाँ तक ये एट्रीब्यूट ग्रामर्स का ताल्लुक है देखिए मैंने यहाँ पे फौन जो है वो कॉन्टेक्सट सेंसिटिव ग्रामर्स का मामला बीच में छोड़ दिया यानी कि उसको मैंने कहा कि मैं या आप देख रहे हैं कि उसको कवर ही नहीं कर रहा और उसकी वजह में हमें आप समझ के होंगे कि उस बारे में डिस्कशन आप पहले भी कर चुके हैं और मैंने शुरू में भी बाद में भी कहा था कि कॉन्टेक्सट सेंसिटिव ग्रामर्स जन का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे हाँ ठीक है और एरियाज़ हैं तो हम सीधा चलते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर्स की जानेब जो कि हमें वो एक किस्म की फॉर्मल फाउंडेशन देंगी जिसकी बिना पे हम एड हॉक मैथड्स भी डेवलप कर सकेंगे अब एट्रीब्यूट ग्रामर जो हैं उसमें हम करते ये हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेके देखिए सी एफ जी और अभी तक हमारे जितनी ग्रामर्स हैं वो सी एफ जी हैं उसको हम क्या करते हैं सी एफ जी इज ऑगमेंटेड विद अ सेट ऑफ रूल्स अब ऑगमेंटिंग का मतलब है कि जैसे उसके साथ हम अटैच कर देंगे एक्सटेंड भी कर देंगे लेकिन ये ज्यादा अटैचमेंट वाला मामला है और उसके साथ हम रूल्स लगाएंगे ये अभी आप देखेंगे कि वो रूल्स क्या हैं और वो ऐसे होगा कि ईच सिंबल इन द डेरिवेशन हैज अ सेट ऑफ वैल्यूज और एक्ट्रीब्यूट अब याद है जब भी हमने वो डरेवेशन की थी तो उसमें हम क्या करते थे कि राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स होती थी जो सिंबल्स होते थे उनमें से बारी बारी अगर हम लेफ्ट टू राइट कर रहे थे तो या लेफ़्ट मोस्ट या राइट मोस्ट जैसे भी हम डेरिवेशन करते थे तो हम नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल से रिप्लेस करते जाते थे जिससे हमारी राइट हैंड साइड फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंड होती जाती थी अनटिल के हम अपने इनपुट सेंटर्स तक पहुंच जाते थे अब यहाँ पे ये कि ईच सिंबल इन द डेरिवेशन हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज और एट्रीब्यूट ये वो बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि ये जो कॉन्टेक्सट सेंसिटिव एनालिसिस है, सिमेटिक एनालिसिस है, इसमें हमें वैल्यूज़ दर, दरकार होंगी सिर्फ ये नहीं कि ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है वो है सिंटैक्टिक कैटेगरीज यहाँ पे हम वैल्यूज़ होंगी को इस्तेमाल करेंगे और वैल्यूज़ की बजाय जो असलाह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एट्रब्यूट्स ये एट्रब्यूट्स इन अ सेंस वैल्यूज़ ही हैं और ये वैल्यूज़ ये एट्रीब्यूट जो हैं ये हम हर सिंबल के साथ अपनी ग्रामर में लगाएंगे बल्कि उसको हम डिवेशन के हवाले से वैल्यूज को भी उनका हिसाब भी रखेंगे उनको ट्रैक्ट भी करेंगे उनको कम्प्यूट भी करेंगे और फिर ये कि ठीक है एट्रीब्यूट्स तो होंगे लेकिन हम ये जो रूल्स अब लगा रहे हैं जो कि ये पहला बुलेट आइटम कह रहा है कि अ सेव जी इज़ ऑगमेंटेड विदर् रूल्स रूल्स क्या हैं रूल्स स्पेसिफाई हाउ टू कंप्यूर वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट यानी कि ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये एक लिहाज से ग्रामर का डेरिवेशन वाला मामला नहीं होगा असल में इसमें कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होगी और कंप्यूटेशन में वही बात कि हम एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेंगे पॉसिबल और स्कीम्स जो कंप्यूटेशनल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जनरली आपको जो है एक्सप्रेशंस और इस किस्म की चीज़ें नजर आएंगी या कोई स्ट्रिंग वैल्यूज हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे एनी anyway, इसकी जब मिसालें करेंगे तो ये जो कॉम्पिटेशन वाली बात और वैल्यू वाली बात और फिर ये रूल्स क्या है ये काफ़ी क्लियरली नज़र आ जाएगी और वो कैसे कि आइए अब एक फटाफट मिसाल भी देख लेते हैं ताकि ये जो सारी बातें अभी लिखी हैं या सुनी हैं आपने इनके बारे में थोड़ी सी जो क्लरफिकेशन है वो भी सामने आ जाए तो मैंने आपके सामने एक ग्रामर पेश की है फो साइंड बाइनरी नंबर्स अब साइन बाइनरी नंबर्स क्या हैं आपको याद होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर या दूसरे कोर्सेज में कि इवेंचुअली नंबर्स जो हैं वो आप बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और थेपिकली अगर एक इंटीजर है उसके जो टॉप हाइस्ट ऑर्डर बिट है उसको आप एज़ अ साइन बेट इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रामर जो है ये सीरीज ऑफ वन एंड ज़ीरोज़ को अगर आपने नंबर के तौर पे देखना है एज अ साइन बाइनरी तो इस ग्रामर से हम वो नंबर्स जनरेट कर सकते हैं ये ग्रामर रूल्स देख लीजिए नंबर जो है वो है कैन बी री रटन एज अ साइन फॉलोड बाई अ लिस्ट साइन जो है वो ऑफकोर्स प्लस और माइनस है इसके लिए मैं बिट नहीं इस्तेमाल करूंगा इसके लिए ठीक है मैं प्लस और माइनस इस्तेमाल करूंगा यानी कि बेस टू नंबर्स अगर आपने लिखने हैं तो उसके लिए ये ग्रामर इस्तेमाल कीजिए साइन के बाद जो लिस्ट है इसका ये थर्ड ग्रामर रूल आप इस्तेमाल करके वो जो वन उनको डिराइव कर सकते हैं यानी कि लिस्ट कोज टू लिस्ट बिट और बिट ये असल में दो रूल्स हैं और यहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरह ये लेफ्ट रिकर्जन के जरिए लिस्ट जो है इसको मैं बिट बिट में एक्सपैंड करता जाऊँगा तो इवेंचुअली अगर ये सबसे आखिरी रूल देखें बिट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो और वन हो सकती है तो इस बिना पे इस ग्रामर के ज़रिए अगर मैं आपको एक नंबर दूँ प्लस वन जीरो जीरो वन ज़ीरो वन, वन वन मैं आपको कहूँ कि ये नंबर ज़रा ड्राइव करो तो आप ये ग्रामर जो है इसको इस्तेमाल करके वो नंबर ड्राइव कर सकती हैं अब ये है हमारी ग्रामर अब ठीक है ये ग्रामर आपने देख ली मैं आपको अगर वही सेंटेक्स एनालिसिस डेरिवेशन वाली कार्रवाई अगर दूं कि भई ये एक नंबर लो और इसको ड्राइव करके दिखाओ या उलट कि ये एक नंबर है इसको पार्स करो यानी कि उल्टा चल के रिवर्स में डेरिवेशन को इस्तेमाल करके देखो कि तुम नंबर तक पहुंच सकते हो कि नहीं यहाँ पर अब मामला असल में डरेवेशन का नहीं है अब है सीमेटिक्स का सीमेटिक्स के हवाले से इस ग्रामर के साथ अब हम रूल्स लगाएंगे और रूल्स से पहले हम ये जो ग्रामर सिंबल्स हैं इनके साथ एट्रीब्यूट्स लगाएंगे और फिर आप देखेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स कैसे कंप्यूट होते हैं तो आइए अब ये मिसाली कार्रवाई जो है यही हम लिए चलते हैं और इसके अंदर से फिर ये जो एट्रीब्यूट ग्रामर्स है इसका जो फॉर्मलिज़म है इसके वो जो स्ट्रक्चर जो सारी कार्रवाई है वो आपके सामने काफ़ी क्लियरली आ जाएगी यहाँ पे लगे हाथों देख लीजिए कि डेरिवेशन ऑफ माइनस वन कैसे होगी कि नंबर गोज टू साइन लिस्ट इसमें से साइन को मैंने लेफ़्ट मोस्ट डरोवेशन में पहले रिप्लेस किया माइनस लिस्ट आया लिस्ट को मैंने बिट से रिप्लेस किया और फाइनली बिट को मैंने वन से रिप्लेस किया तो ठीक है ये डायरेवेशन करते हुए हम माइनस वन तक पहुँच गए अब इसी तरह अगर ज़रा लंबी है तो माइनस वन जीरो वन को देख लीजिए कि नंबर गोज टू साइन लिस्ट विच गोज टू साइन लिस्ट बिट उसके बाद ये मैंने राइट मोस्ट डेरिवेशन अब आपको दिखाई है कि मैंने बिट को वन से रिप्लेस कर दिया फिर ये जो लिस्ट है इसको रिप्लेस किया लिस्ट बिट से इसको फिर मैंने बिट को ज़ीरो से कर दिया और यूँ ये कार्रवाई अब खासी जानी पहचानी है कि हम आखिर में माइनस वन ज़ीरो वन तक पहुँच पाए हैं और यहाँ पर अब मैंने राइट मोस्ट डेरिवेशन जो इस्तेमाल की है अब देखिए कि ये जो ग्रामर्स वाला मामला है एट्रीब्यूट ग्रामर्स इसमें हम क्या करेंगे फॉर एन एट्रीब्यूटेड वर्जन ऑफ एस बी एन ये साइन बिट नंबर्स जो हैं द फॉलोइंग एट्रीब्यूट आर नीडेड अब फिलहाल मैं इसके लिए वैल्यूज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करा वैल्यू असल में आप देखेंगे कि एक एट्रीब्यूट टाइप हो सकती है आपको और भी एट्रीब्यूट नजर आएंगे तो यहाँ पर जो हमारे सिम्बल्स हैं वो क्या हैं इनमें नंबर है हमारे पास ग्रामर के हवाले से इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे वैल साइन है इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे एन ई जी नेगेटिव लिस्ट है इसके साथ हम दो एट्रीब्यूट्स लगाएंगे पी ओ एस यानी कि पोजिशन और वैल्यू जिसके लिए मैंने अब्रीविएशन इस्तेमाल की है वैव और बिट जो है उसके लिए एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल करूँगा वो है पोजिशन और वैल्यू जरा इनको एक नज़र दोबारा देख लीजिए नंबर के साथ वैल साइन के साथ नेगेटिव या एन ई जी लिस्ट के साथ पोजिशन कॉमा वैव बिट के साथ पोजिशन कॉमा वैव अच्छा अब ये बात कि भाई ठीक है ये आपने कुछ एट्रीब्यूट्स कहा है और इनको एसोसिएट भी कर दिया है लेकिन ये क्यों किया है इसका इस्तेमाल क्या है आइए अब उसके लिए कार्रवाई देखते हैं वो ऐसे वी विल एड रोल्स टू कम्प्यूट डेसिमल वैल्यू ऑफ अ साइंड बाइनरी नंबर अच्छा ये बात एकदम हम सीमेटिक एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन पूछते हुए साइंड नंबर्स जो हैं बाइनरी नंबर्स उनकी डेसिमल वैल्यू की जानब क्यों ले गए असल में आप देखेंगे कि ये जो एट्रीब्यूट ग्रामर्स वाला मामला है इनका इस्तेमाल जो है वो ठीक है कि आप टाइप चेकिंग या वो जो बातें मैंने सवाल के ज़रिए आपसे पूछी थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जो समेटिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इसके अलावा भी और, और मैं ये भी कह चुका हूँ कि इसी तरह की स्कीम जो है हम असल में कोर्ट जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे याद हैं हमने बैकेंड जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है जो कि जो पार्सर की आउटपुट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में होगी उसको लेके हमने इवेंचुअली हमारे केस में इंटेल असम्बली लैंग्वेज जनरेट करनी है तो अब ये जो मिसालें एट्रीब्यूट ग्रामर्स की ये असल में ये तमाम जाविये जो हैं इनके इस्तेमाल के वो आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको इनकी अहमियत का और इसके इस्तेमाल के जो अंदाज़ हैं वो भी समझ में आ जाएंगे और फिर इवेंचुअली आप देखेंगे किस तरह मौका महल के मुताबिक हम इनका इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ गौर तलब है कि किस तरह यहाँ पे अब वो कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर्स वाला मामला जो है डेरिवेशन रूल्स ये वो बातें नहीं आप तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पिटिशनस हैं नॉर्मल कॉम्पटिशन जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं तो फिर वही बात कि ये जो ग्रामर मैंने लिखी है इसको अगर मैं एक नंबर देता हूँ वन जन ज़ीरोज़ में तो ठीक है उसको पार्ट्स कर लो और उसको ये भी बता दो कि ये ठीक है कि नहीं है सिंटैक्टिकली करेक्ट है यानी कि उसमें सिर्फ वन जन जीरो हैं और प्लस वन माइनस और वो भी शुरू में लेकिन मुझे अब ये करके दिखाओ कि ये जो नंबर है इसकी बेस टेन वैल्यू क्या है यानी कि डेसिमल वैल्यू क्या है तो अगर आप ये सोचें कि ये मैं पार्सर से कैसे करवाऊँगा पार्सर ने तो एक सेंटेंस को ले कह दिया कि भाई ये ठीक है या ये गलत है लेकिन पार्सर को अगर मैं कहूँ कि इसको आप किसी तरह वैल्यू के हवाले से बेस टू से बेस टेन में कन्वर्ट करके मुझे वो नंबर दो ये फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा लेकिन उसका आंसर जो है ये एट्रीब्यूट ग्रामर्स में है और ये जो ऑगमेंटिंग वाली बात है कि किस तरह हम ग्रामर के साथ ये रूल्स लगाएंगे एक्चुअली ये ये कॉम्पिटिशन जो हैं ये वो ग्रामर रूल्स के साथ अटैच हो जाएंगी और अब बाद में आप देखेंगे कि जब भी हम कोई डरेवेशन का स्टेप करेंगे चाहे वो टॉप डाउन जा रहा हो या बॉटम अप जा रहा हो उस दौरान में जब भी एक स्टेप ऑफ डेरेवेशन हम एक्सीक्यूट करेंगे या पार्सर एक्सीक्यूट करेंगे उस वक्त ये रूल को हम फायर करेंगे और उस फायरिंग की बिना पर यह कम्पिटेशनस होंगी और कॉम्पिटेशन्स जो होंगी उनके जो रिजल्ट हैं वो इन एट्रीब्यूट्स में एक लिहाज से स्टोर होते जाएंगे और इनकी वैल्यूज़ को फिर हम दूसरी कॉम्पिटिशनस में बकिया जो डरेवेशन स्टेप्स हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे ये अब वो आने वाली बातें हैं जो कि मैंने फ़िलहाल इन समरी आपके सामने पेश कर दी ताकि जहर में थोड़ा सा ये मामला क्लियर रहे कि ये हम बातें एकदम चलते इस तरफ हैं और बात जो करते हैं वो किसी और जाने पर चली जाती है ये क्या हो रहा है तो उसकी खातिर मैंने ये गुफ्तगु यहाँ पर थोड़ी सी की है तो अब आइए वापस कि किस तरह हम अपनी ये जो साइन बानी नंबर ग्रामर है इसके साथ रूल्स लगा के एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन कर पाएंगे और आप देखेंगे कि पार्सर ये कैसे कर सकता है वो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि प्रोडक्शंस को मैं लूँगा और उनके साथ एट्रीब्यूशन रूल्स लगाऊंगा तो अब बारी बारी देखिए मेरे पास प्रोडक्शन रूल है ग्रामर का कि नंबर गोस्ट टू साइन लिस्ट ये वो पहला रूल था इसमें देखिए मैं क्या करूँगा कि अगर ये रूल जो है ऐसे समझें कि फायर होता है अब वो फायर कैसे होता है कहाँ होता है ये अभी थोड़ी देर में लेकिन ये कि अगर मैं ये डेरिवेशन में नंबर को एज अ साइन लिस्ट एक्सपैंड करता हूँ या उलट कि मैं जैसे कि हम देख चुके हैं बॉटम अप पार्सिंग में टिपिकली हम सेंटेंस से शुरू के जो रूट है उसकी जानव जाते हैं यानी कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल है तो अगर मैं उस केस में साइन और लिस्ट को ले के लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है उससे मैं रिप्लेस करता हूँ तब ये दो वो टाइम्स हैं जो दो केसेस हैं जो कि एक टॉप डाउन में और दूसरा बॉटम अप में ये रूल जो है ये फायर हो सकता है अब अगर रूल फायर होगा तो देखिए किस तरह कि लिस्ट डॉट पोजिशन को मैं ज़ीरो असाइन कर रहा हूँ अब आप कहेंगे कि ये लिस्ट और नॉन टर्मिनल्स और ये सारा मामला जा तो ये तो एक किस्म के जैसे ना सिंबल्स हैं जो कि हम कागज़ में इस्तेमाल करते थे या ठीक है कीबोर्ड के ज़रिए हम टाइप भी कर देते थे यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये लिस्ट जो है ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और पोजीशन जो है उसका एक एट्रीब्यूट है अगर ये एनालिजी आप अपने जहन में रखी तो ये अच्छी बात है यानी कि आप इनको फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके ये एट्रीब्यूट्स हैं ये वही एट्रीब्यूट्स वाली बात है जो कि हम क्लास और ये क्लासेस के हवाले से सी या जावा क्लासेस के हवाले से कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के ये एक्ट्रीब्यूट हैं तो इन ए सेंस चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हुई है तो अगर आप जहन में वो माने एट्रीब्यूट के रखें तो तब भी कोई हर्ज नहीं अस, असल में वो शायद समझने के लिहाज से कि ये क्या हो रहा है काफ़ी मुफीद आ, सोच होगी कि आप इन टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स को यूं समझें कि ये क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं और ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका एक पोजिशन एट्रीब्यूट है जिसको मैं इस स्टेज पे यानी कि जब ये डेरिवेशन हो फॉरवर्ड या रिवर्स में टॉप डाउन या बॉटम अप में तो उस केस में मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट की पोजिशन एट्रीब्यूट को जीरो दूंगा उसके बाद जो साइन ऑब्जेक्ट है उसका जो नेगेटिव एट्रीब्यूट है उसको देखिए मैं क्या करता हूँ कि उसको मैं एक इफ स्टेटमेंट में चेक करता हूँ एज इफ़ इट वर अ बोलियन इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे जरा सा सोचें कि पोजिशन एट्रीब्यूट जो है लगता है कि ये इंटीजर वैल्यू होगी और ये जो नेग एन ई जी एट्रीब्यूट है ये मोस्ट लाइकली बोलियन है इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी और ये बाद में वाकई ऐसे है यहाँ पे अलबत्त हम ये कह रहे हैं कि जो साइन फर्ज करें अब मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्स को लेकिन असल में आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रामर का एक सिम्बल है लेकिन ठीक है पार्सर के हवाले से या कंपाइलर के हवाले से मे बी मैंने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और ये बात भी सही है कि अगर आप पार्सट्री के हवाले से देखेंगे तो ये वाकई एक नोट होगा साइन डॉट नेग अगर ट्रू है देन नंबर डॉट वैल अब ये देखिए नंबर जो है इसको भी अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट समझे तो इसका एक वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको देखिए मैं क्या कहता हूँ कि जो लिस्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू या जो लिस्ट सिंबल है उसकी जो वैल्यू है जो अब कैसे कंप्यूट हो रही है यह भी बाद की बात लेकिन यहाँ पर मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि लिस्ट डॉट वैल मेरे पास अवेलेबल है और उसको लेके मैं देखिए सिंपली एक एक्सप्रेशन माइनस स्ट से यानी कि उसकी वैल्यू को मैं निगेट करके नंबर में डाल देता हूँ अब यहां पे आप प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से मे बी सी के हवाले से इस चीज़ को देख लीजिए जैसे कि ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं और ये जो लेफ्ट एरो है इसकी जगह आप बेशक इक्वल साइन लगा दीजिए असाइनमेंट सिम्बल जो आप इस्तेमाल करते हैं कि लिस्ट को जीरो साइन करो साइन अगर ट्रू है तो नंबर .val की वैल्यू जो है वो माइनस लिस्ट है एल्फ नंबर जो है वो सिंपली लिस्ट ऑट वैल्यू है इनको प्योरली प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के तौर पर अब आप देख लीजिए और इवेंचुअली एक्चुअली आप देखेंगे कि ये वाकई ही प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स बन जाएंगी अब आगे चलिए तो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आपके सामने पेश करूँ तो लिस्ट पोजीशन मैंने ज़ीरो असाइन किया इस स्टेटमेंट के जरिए मैंने चेक किया कि ये पॉजिट ट्रू uh, है फॉल्स है जिसपे मैंने वैल्यू को नगेटिव असाइन कर दी या पॉजिटिव इसके बाद ग्रामर सिंबल या ग्रामर रूल को मैंने लिया कि साइन कैन बी री रिटन एज प्लस एक्चुअली ये प्लस और माइनस था लेकिन वो हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन इस्तेमाल की थी यहां पर अब मैंने एक एक ग्रामर रूल को अलहदा कर दिया है तो यहां पर अब मैं ये जो साइन सिंबल है इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट जो है उसको मैं फॉल्स असाइन कर रहा हूं अगर फिर वही बात की अगर आप साइन को एज एन ऑब्जेक्ट समझना चाहते हैं तो ठीक है ये ऑब्जेक्ट है उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट को मैंने फॉल्स असाइन कर दिया साइन अगर नेगेटिव है यानी कि ये रूल फायर कब होगा अगर एक्सपेंशन या डेरिवेशन के हवाले से साइन गोज़ टू नेगेटिव जो है इसको मैं टॉप डाउन या अगर बॉटम में माइनस को मैं साइन से रिप्लेस करता हूं तो जो रूल मैं फायर करूंगा वो ये कि जो साइन ऑब्जेक्ट है या ये जो सिंबल है इसके नेगेटिव एट्रीब्यूट को मैं ट्रू सेट कर दूंगा यानी कि मुझे एक माइनस साइन मिला अभी बाकी और रूल्स हैं वो ये कि लिस्ट जो है कैन बी री रिटन एज लिस्ट एंड बेट अब यहाँ पे देखिए कि लिस्ट जो है इसके दोनों इंस्टेंसेज में मैंने सबस्क्रिप्ट लगाए हैं जीरो और वन और उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि जो मैं एट्रीब्यूशन रूल्स दे रहा हूँ इन में मैंने जो लिस्ट ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट है और जो लिस्ट ऑब्जेक्ट टू द राइट है यानी कि डरेवेशन के हवाले से राइट साइड पर है ग्रामर रूल के उनमें से मैं अगर कहना चाहूँ कि जो लेफ़्ट वाला है उसको कुछ करो या उसके एट्रीब्यूट को या जो एरो के राइट हैंड साइड पर उससे कुछ करो तो उसके लिए मैं ये जीरो वन सब्सक्रिप्ट जो है इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो यूँ कि जो लिस्ट वन डॉट पोजिशन है इसको मैंने लिस्ट यानी कि जो लेफ़्ट मोस्ट या जो नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट है इसका जो पोजिशन एट्रीब्यूट है उसमें मैंने प्लस वन ऐड कर दिया यहाँ आप समझ के होंगे कि पी ओ एस जो है इसमें एक्चुअली मोस्ट लाइकली एक नंबर होगा यानी कि एक इंटीजर वैल्यू ये एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं एक ऐड करके उसको लिस्ट वन जो है जो कि एक्चुअली आप अगर ग्रामर रोल में देखें तो ये लिस्ट वन कहाँ पे नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पे इसके डॉट पोजीशन एट्रीब्यूट में मैं स्टोर करूँगा उसके बाद जो बिट ऑब्जेक्ट है ऑन द राइट बिट सिंबल है उसकी डॉट पोजीशन को मैं लिस्ट ज़ीरो डॉट पोजिशन दे रहा हूँ और लिस्ट ज़ीरो डॉट वैल जो है उसको लिस्ट वन डॉट वैल में मैं बिट डॉट वैल एड कर रहा हूँ अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं कुछ कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ और ये कॉम्पिटिशन में ग्रामर रूल जो है इसके सिंबल्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब ये कॉम्पिटिशन ऐसे क्यों हैं ये अगर आप एक्चुअली डेरिवेशन करें तो वहाँ से ये चीज़ें नज़र आएंगी कि अगर मैं एक बिट स्ट्रिंग को ले कर उसकी डेसिमल वैल्यू कंप्यूट करूँ तो एक्चुअली मैं करता क्या हूँ उसमें वाला क्या होता है कि आप राइट right साइड से शुरू होते हैं वो टू टू द ज़ीरो है फिर टू टू दन है फिर टू टू द टू है एंड सो ऑन यानी कि आप राइट right से उसको शुरू करके हर बिट पोजिशन को ले उसको एक्चुअली पावर ऑफ टू बना देते हैं और उससे उसकी डेसिमल वैल्यू आती है खैर ये भी हम करेंगे आगे चलिए कि लिस्ट जो है उसको मैं एज ए बिट भी लिख सकता हूँ ये वो ग्रामर रूल का दूसरा हिस्सा था ये दोनों रूल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं लेकिन ये देखिए कि पहले मैंने ज़ीरो और वन सब्सक्रिप्ट लगाया था यहाँ पे अब मैंने नहीं लगाया और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लिस्ट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा अकर हो रहा है यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर इस केस में जो मैं करूँगा वो ये कि ये जो बिट इसकी पोजिशन है इसकी लिस्ट डॉट पोजिशन से वैल्यू लेके मैं इसको असाइन करूँगा और लिस्ट डॉट वैल्यू जो है इसको मैं बिट डॉट वैल्यू में जो चीज़ पड़ी है वो मैं इसमें दे दूँगा फाइनली जो बिट ज़ीरो है इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ बिट डॉट वैल्यू जो है वो वन हो जाएगी और अगर बिट वन है यानी कि वो जो पूरा बिट स्ट्रिंग है वो वन है तो ज़रा इसको देखिए यहाँ पे ये यह आसानी से समझ आएगी कि जो उस बिट की वैल्यू है वो असल में टू टू द बिट डॉट पोजिशन होगी यानी कि बिट स्ट्रिंग में आप जैसे कि मैंने अर्ज़ किया टू तो टू ज़ीरो तो टू टू दन टू टू द टू इस तरह करते हुए जब आप पोजीशन के हवाले से उसको एज पावर ऑफ टू इस्तेमाल करते हैं तो उस बिट की उस अगर पूरे जो वन एंड ज़ीरो में बाइनरी नंबर है उसकी डेसिमल वैल्यू देखनी है तो उसकी टू टू द पावर जो है उसको आप इंकलूड कर लें अगर वह ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो इंक्लूड होगी अगर वन है तो टू टू दिट डॉट पोजिशन अच्छा यहाँ पर मिसाल नजर आई ये रूल्स मैंने ग्रामर के साथ लगाए ये नहीं मैंने बताया कि वो लगते कैसे हैं यानी कि ठीक है मैंने तस्वीरी तौर पे तो आपको दिखा दिया लेकिन अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो फिर ये रूल जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं इनको मैं कैसे याद रखूंगा हाँ ये ज़रूर दो बातें सामने आ गई हैं कि रूल्स हैं रूल्स को मैंने सेपरेट किया हुआ है कैटेगराइज इस सेंस में किया हुआ है कि हर ग्रामर रूल के साथ या हर डरवेशन में जो हमारे पास ग्रामर रूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको बारी बारी लेके उनके साथ मैंने ये रूल्स को एसोसिएट कर दिया है फिर मैंने ये भी कहा कि ये रूल्स जो हैं ये डेरिवेशन जब पार्सर लेट से करता है टॉप डाउन या बारम अप तो उस वक्त ये इस्तेमाल होते हैं जो लव्स मैंने इस्तेमाल किया कि फायर होते हैं यानी कि इनकी एक तरतीब भी है इनके फायर होने की एक, एक स्टेज या एक मौका भी आता है अब यह रूल्स अब कैसे बनाते हैं कैसे सोचते हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुलज़म नहीं है ये तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं उसकी बिना पे होगा और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है वन एंड जीरोज़ का और उसके शुरू में प्लस और माइनस नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर बाइनरी में शो करने के लिए मौजूद है हम चाहते हैं कि इसको किसी एज एफ प्रोग्राम को हवाले करें इस स्ट्रिंग को लो और मुझे बताओ कि ये बेस टेन में इसकी क्या वैल्यू है तो जो कार्रवाई मैंने शुरू की थी वो तो थी सवाला की टाइप चेकिंग या अरे डिमेंशन यो वो वाली बात यहाँ पे मैंने गुफ्तु कंप्यूटेशन की तरफ ले गया लेकिन जो चीज़ अब थोड़ी सी सामने आई है वो ये कि एक ऐसे लगता है कि हम अपनी जो डेरिवेशन होती है देखिए वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और उस डेरिवेशन में ठीक है हम ग्रामर को एक ख़ास तरीके से पार्सर को एक ख़ास तरीके से चलाते हैं वो याद है वो सारी बॉटम ऑफ पार्सिंग में टेबल बनाना डी एफ ए बनाना वो आखिर क्या था वो एक तरीका था एक ख़ास अंदाज से एक ख़ास स्टेप्स के जरिए पार्सर को चलाने का कि अगर उसको लीगल इनपुट दे दो तो वो उसको रिकोगनाइज़ करेगा यहाँ पे ऐसे लगता है कि रिकोगनाइज करते करते लगे हाथों ये काम भी कर दो और बात कुछ एक्चुअली ऐसे ही है बल्कि हम बाद में आप देखेंगे एक टर्म इस्तेमाल करेंगे सिंटेक्स डेक्टेड ट्रांसलेशन याद है कंपायलर के बारे में उन्होंने कहा था कि यह ट्रांसलेटर्स भी हैं यानी कि एक लैंग्वेज में हम कंपायलर को एक प्रोग्राम देते हैं वो उससे किसी और लैंग्वेज में वही प्रोग्राम जो है वह हमें दे देता है हमारे केस में हम लेट से सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं तो हमें असेंबली लैंग्वेज मिल जाती है तो ट्रांसलेशन है तो अब जो वो शुरू वाली कार्रवाई थी कि इवेंचुअली ये ट्रांसलेशन जो है ये होगी कैसे उसका जो पार्सिंग वाला पार्ट था वो तो हमने तफसील से, बहुत तफसी से डिस्कस कर लिया लेकिन अब तक ये बात हुई नहीं थी कि आखिर ये ट्रांसलेशन होगी कैसे ये नहीं था कि वहां पे हम वापस किसी ह्यूमन ऑपरेटर को ले आएंगे कि लो भैया पकड़ो सिंथेटिकली ये प्रोग्राम ठीक है अब इसको ट्रांसलेट करो वो भी हमने ही करना है तो एक्चुअली जो स्कीम इस्तेमाल की जाती है वो कुछ एट्रीब्यूट ग्रामर लाइक है जिसको हम जो मैंने असलाह इस्तेमाल किया कि है कि सिंटेक्स डेक्टेड ट्रांसलेशन कहेंगे और उसकी कुछ सूरत जो है वो यहाँ पर अब नज़र आ रही है जैसे कि मैंने अर्ज किया अभी काफ़ी बातें बाकी हैं और इवेंचुअली आप असल में यक में ये चीज़ करेंगे खुद करेंगे कि उसके अंदर ग्रामर रूल जो याद हैं हमने देखे थे कि किस तरह यैक स्पेसिफिकेशन फाइल बनाते हैं एक्चुअली ये रूल जो हैं ये वहाँ पर चले जाएंगे और का जो पार्सर बनेगा उसमें आप देखेंगे बाद में कि किस तरह ये रूल्स फायर होंगे खरे नहीं वे अब जरा वापस आइए इसकी जो फॉर्मल जो सारी बातें हैं वो अभी कुछ बाकी हैं वो भी हम देख लें कि एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद नोज इन अ पार्सट्री अब ये एक कार्रवाई करने का तरीका है कि ठीक है ये एट्रीब्यूट तो मैं लगा रहा हूं लेकिन ये इवेंचुअली इनको मैंने ट्रैक भी करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट कहां पे कैसे कंप्यूट हुआ था और किन और वैल्यूज को लेकर कंप्यूट हुआ था ये आप इन एट्रीब्यूट रूल्स में देख चुके हैं तो पार्स ट्री के हवाले से अभी हम देखेंगे कि ये बात काफी क्लियर हो जाती है कि ये किस ऑर्डर में कंप्यूट होते हैं कैसे कंप्यूट होते हैं और इवेंचुअली इनकी वैल्यूज या एट्रीब्यूट जो है ये कहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं तो एट्रीब्यूट आर एसोसिएटेड विद नोट इन अ पार्स ट्री अब याद है पार्स ट्री क्या है ये मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूं दूसरी बात रूल्स ऑफ वैल्यू असाइनमेंट्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शंस ये अब आपकी ग्रामर की जो प्रोडक्शन है इनमें एक लिहाज से ये वैल्यू असाइनमेंट्स हैं जो कि जो प्रोडक्शन में असल में आप देखते देखेंगे और देख भी चुके हैं कि किस तरह एक प्रोडक्शन के जो सिंबल्स हैं लेफ्ट पे और राइट right पे उनके साथ हम वैल्यू असाइनमेंट्स के जरिए कंप्यूट करके वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये जो रूल्स हैं ये प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट होंगे

उन से वैल्यूज़ ले के अपने एट्रीब्यूट को कम्प्यूट करना पड़ेगा जिसकी बिना पर यह लफ्ज़ डिपेंडेंस आ गया है और ग्राफ ये कि ट्री तो ठीक है पार्स ट्री हम देख चुके हैं लेकिन आपको बाद में नजर आएगा कि ये जो एट्रीब्यूट कॉम्पिटिशन्स हैं ये एक ग्राफिको या ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए कम्प्यूट होंगी और ये ग्राफ जो है ये ए सिक्लिक होना चाहिए और मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर ए की वैल्यू बी पे डिपेंड करती है और बी की वैल्यू ए पे डिपेंड करती है तो आपके सामने मसला है कि भाई मैं कौन सा पहले करूँ ये वो चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो इसलिए ये जो ग्राफ्स बनेंगे इवेंचुअली ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ए सिक्लिखों यानी कि उनमें साइकल्स नहीं हैं अच्छा अब देखिए ये ट्री कैसे बनता है फर्स्ट करें मेरे पास इनपुट है माइनस और वन सिंपली ये नंबर है माइनस वन अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है टू टू दीरो करके आपकी कंप्यूट कर सकते हैं और नेगेटिव के भी ये इवेंचुअली नेगेटिव वन बनेगा इसकी डेरिवेशन जो है या पार्स थ्री के हवाले से क्या होगा कि साइन इस नोड को अगर मैं देखूं वो ये माइनस को ले लेगा और यहाँ पे अब मैं हर नोड पे आप देखेंगे कि मैं एट्रीब्यूट कंप्यूटेशन करके और उसकी वैल्यू भी दिखाता जाऊंगा कि जब मैं ये ग्रामर प्रोडक्शन जो है इसको इस्तेमाल करूँगा कि साइन जो है इस नंबर को ले अगर मैं बॉटम अप आपको जो दिखा रहा हूं इसको कर रहा हूं तो जो ट्री नोट पार्ट्री में जो साइन के लिए मैं नोट बनाऊंगा उसके साथ में अंदर अगर आप कहें यानी कि ये नोड जो है किसी क्लास का है उसमें ना सिर्फ लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हैं चिल्ड्रन जो हैं उसके बल्कि एक एडिशनल एट्रीब्यूट है एन ई जी उसको मैं अब नेगेटिव ये जो फील्ड है इसमें ट्रू सेट कर रहा हूँ इसको एक बुलियन वैल्यू असाइन मैंने कर दी दूसरा ग्रामर प्रोडक्शन जो मैंने इस्तेमाल की वो ये कि बिट कैन कैप्चर ये जो वन है डरिवेशन रिवर्स में इस केस में मैं क्या कहूँगा कि बिट पोजिशन जो है वह ज़ीरो है अब देखिए नंबर जो है वो माइनस वन है बाइनरी इसमें यह जो बिट पोजिशन है टू टू द पावर के हिसाब से जीरो पोजिशन है यानी कि यह जो पी ओ एस है ये असल में टू टू द पावर में जो पावर है ये उसकी वैल्यू है जो कि मैं जीरो असाइन कर रहा हूँ और श्योरली अगर यहीं पर मैं कहूँ कि इस बिट कि क्या वैल्यू है पोजिशन के हवाले से वो है टू टू बिट डॉट पोजिशन जो कि इवेंचुअली वन है यानी कि ये बिट डॉट वैल जो है अगर आप इसको इस ट्री नोड बिट के हवाले से देखें तो यहां पे मैंने एक वैल फील्ड रखा हुआ है जिसको अब मैंने वन असाइन कर दिया और इसी तरह मैंने एक ई फील्ड रखा है इस नोड में आप अगर इसको ट्री नोड के हवाले से भी देख लें तो ट्री नोड में मैंने ये दो एट्रीब्यूट सब रखे हैं POS और VAL, POS को मैंने ज़ीरो असाइन किया VAL को मैंने अब वन असाइन कर दिया आगे इसको लेके चलते हैं तो देखिए मैं अब यहाँ पे ये यह नहीं कहता कि ठीक है आंसर आ गया बस अब ख़त्म करो मैंने पूरा पार्टस ट्री बनाना है और पार्टस ट्री में मैं आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ स्टेज बाय स्टेज कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो आप समझ गए हैं कि ये एट्रीब्यूट्स मैंने इस तरह असाइन किए थे और उनकी कॉम्पिटिशन जो है वो कैसे हो रही है अब ये जो लिस्ट नोड मैं बनाऊंगा डेरिवेशन के हवाले से अगला है तो इसके जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो पोजीशन है और अब अगर वो टेबल जो मैंने आपको दिखाया था कि इस लिस्ट नोड को अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी पोजिशन के हवाले से यानी कि उस बिट स्ट्रिंग में पोजिशन क्या है तो एक्चुअली इसकी पोजिशन वही है जो कि इस बिट की है यानी कि जीरो और उस बिना पे इसकी जो वैल्यू या जो वैल एट्रीब्यूट है उसकी क्या वैल्यू है ये वही है जो कि बिट डॉट वैल्यू है जो कि वन है अच्छा यहाँ पे दिए देखिए कि मैंने एक्सप्रेशन में बिट डॉट वैल इस्तेमाल किया है अब ये कौन सा बिट डॉट वैल है ये एक्चुअली इसका जो चाइल्ड है ये बिट नोट जो है इसके वैलफील से मैंने ये ली है ये मैंने बात यहाँ पे लिखी नहीं लेकिन ये मैं कहता चलू कि ये जो कार्रवाई हुई है कि लिस्ट डॉट वैल को मैं कम्प्यूट करने के लिए असल में इसके चाइल नोट बिट के पास गया हूँ उसके वैल फील्ड में से मैंने वन लिया है और उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट के वैल फील्ड में अब लगा लिया है यहाँ पर वो डिपेंडेंस वाली बात है कॉम्पिटिशन की बात है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी कॉम्पिटिशन में असल में बाद का सिंपली कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे जैसे कि ये बिट डॉट पोजिशन इक्ल जीरो लिस्ट डॉट पोजिशन इक्ल टू जीरो लेकिन इन की में दूसरे नोड्स जो है और इस बिना पे जब मैं नंबर तक पहुंचा जो कि अब मेरा रूट नोट बन जाएगा तो यहां पर देखिए अब मैं किस तरह इसका जो लिस्ट चाइल्ड है यहां पर नंबर नोट जो है असल में इसके दो चिल्ड्रन है एक साइन और दूसरा लिस्ट नोट है और इसकी जो वैल एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसको देखिए मैंने माइनस लिस्ट डॉट वैल लगाया है और माइनस क्यू कि इसका जो साइन चाइल्ड है उसका नेगेटिव जो है वो ट्रू है और अब अगर वो टेबल जो मैंने शुरू में अभी दिखाया था उसमें आप देखें वहां पे वो इफ स्टेटमेंट थी कि इफ साइन डॉट नेगेटिव ट्रू तो नंबर डॉट वेल इज़ माइनस लिस्ट डॉट वेल अदरवाइज इट इज़ प्लस लेस डॉट वेल वो कॉम्पिटिशन अब मैंने यहाँ पे की है और यहाँ पे अब ये जो ट्री का नंबर नोड है पार्स ट्री अब वो बात की पार्स ट्री क्यों है क्योंकि देखिए ये डेरिवेशन में जितने नॉन टर्मिनल्स इस्तेमाल हुए हैं वो तमाम मैंने इस ट्री में लगाए हैं अलबत्त एजिफ के मैंने ये ट्री को एनोटेट कर दिया है उसके साथ ही एट्रीब्यूट्स और लगा दिए हैं और ये बात भी मैं कहता जा रहा हूँ कि अगर आप उस जाविए से देखें कि भाई प्रोग्रामिंग लिए मैं कैसे करूँगा तो एज इफ जैसे जैसे मैं ये ट्री बनाता जाता हूँ उसके नोट्स की इन एट्रीब्यूट्स की मैं कुछ कॉम्पिटेशन करके उनकी वैल्यूज़ को भी मैं उन नोट्स में स्टोर कर रहा हूँ और इन कॉम्पिटेशन में को किस तरतीब में कर रहा हूँ वो मेरी जो डरेवेशन है या यहाँ पर जो बॉटम अप पार्ट्स है प्रिसाइसली वो डिक्टेट कर रहा है कि इस ऑर्डर में ये चीज़ें करो और उसकी बिना पर देखिए बिल्कुल टॉप पे देखिए कि नंबर डॉट वैल में माइनस वन असर में बेस टेन आंसर है जो कि वाकई माइनस वन जो है उस बाइनरी की बेस 10 वैल्यू है ये है वो अब कार्रवाई तो अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको ये रूल्स मैं बता देता हूं और वो रूल्स क्या हैं, किस लिए है वो ठीक है वो फंक्शन भी मैं आपको बता देता हूं फंक्शन क्या था कि भाई ये एक साइन बाइनरी ग्रामर है इसमें जो स्ट्रिंग्स आएंगे वो वन जन जीरो होंगे और उसके शुरू में प्लस और माइनस होगा इसको लेके इसकी डेसिमल वैल्यू मुझे बताओ तो एक तरीका तो ये था कि आप ठीक है एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि आप कहते हैं कि ठीक है मैं माइनस और उसके बाद एंड जीरोज़ को पढ़ लेता हूं और जैसे जैसे मैं मुझे वन और ज़ीरो मिलता जाता है या मैं इन सारे वनज और ज़ीरोज़ को किसी अरे में डाल देता हूं और फिर अरे की राइट हैंड साइड से शुरू हो के पावर्स ऑफ टू वाली कॉम्पिटिशन करके मैं उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेता हूँ ये सारी पार्सिंग और लेक्सिकल एनालिसिस बॉटम अप पार्टस ट्री एट्रीब्यूट ग्रामर्स ये क्या मतलब मुझे करने की ज़रूरत क्या पेश आई असल में ज़रूरत यह है कि ठीक है ये तो एक मिसाल है लेकिन इवेंचुअली हमने एक ट्रांसलेटर बनाना है जो कि आपके एक पूरे सी प्लस प्लस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा असम्बली लैंग्वेज में अब जरा उसके बारे में सोचिए क्या आप कोई छोटा मोटा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि एक बड़े से प्रोग्राम हजारों लाइनों का प्रोग्राम हो उसको ट्रांसलेट कर दे असम्बली लैंग्वेज में ये सारी कार्रवाई असल में इसी खाते हो रही है और जो स्कीम अब हमारे सामने आ रही है वो ये पार्सिंग हम अब तक बड़ा सक्सेसफुली कर पाए हैं एफिशिएंटली कर पाए हैं हमारे पास टूल्स हैं जो कि हमारे लिए पार्सर्स बना देते हैं लेकिन ये जो बकिया काम है इसके लिए भी अभी हमें कुछ करना है लेकिन वो क्या करना है उसके लिए भी हम कोई फॉर्मल सा तरीका अपनाएं ताकि हम उसको ऑटोमेटिकली कर सकें या अगर ऑटोमेटिक ना भी हो तो एटलीस्ट कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर कोई एल्ब्रेदमिक प्रोसीजर हमारे सामने हो जिसको चाहे टास्क छोटा हो जैसे कि ये है कि भी ठीक है बाइनरी नंबर्स हैं उनको बेस्टैंड में कन्वर्ट करना है इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी है ये तो मैं अब छोटा सा सी में भी प्रोग्राम लिख सकता हूँ नहीं मैं इसको पार्सिंग के हवाले से देख रहा हूँ और उसमें अब एक्चुअली हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं यहाँ पर मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर इस चीज़ को मैं एक्सीक्यूट करूँ यानी कि अपने पार्सर में मैं पार्स ट्री बनाता हूँ वो कैसे होगा आप टॉप डाउन बॉर्मा पार्सिंग देख चुके हैं वहां पे जब भी कोई डेरिवेशन स्टेप प्रोडक्शन इस्तेमाल होती है वहां पे आप एक नया नोट फिजिकली एक्चुअली बनाएं और ये आप एक प्रोजेक्ट के हवाले से कर चुके हैं टॉप डाउन पार्सिंग के हवाले से कि किस तरह आपने वो नोड्स बनाए थे वो पूरा पार्स ट्री या मे बी भी एब्रेक्टेक्स ट्री बनाया था यहाँ पे अब पूरा पार्स ट्री हम बना रहे हैं इसमें ये रूल्स फायर होंगे और उसके फायरिंग के बिना पे देखिए ये जो नंबर टॉप पे है इसको एक वैल्यू मिल गई जो कि बेस टेन है इसको मैं प्रिंट कर सकता हूं तो एक लिहाज से एज एफ के मैंने एक कैलकुलेटर बना दिया इसको मैं अगर कहूं कि ये एक इंटरप्रिटर है तो ये भी कहना ठीक होगा कि किस तरह ये एक लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके अब इस लैंग्वेज का प्रोग्राम क्या है ये स्ट्रिंग्स है वन जन जीरो इनको लेके इनको इंटरप्रिट करता है और इंटरप्रिट करके मुझे उसकी बेस टेन वैल्यू बता देता है एनीवे anyway, ये कैलकुलेटर वाली मिसाल जो है अभी हम बाद में डिटेल में भी करेंगे बल्कि यैक से हम एक पूरा कैलकुलेटर बनवाएंगे ये वही कैलकुलेटर जो कि जैसे आप विंडोज में इस्तेमाल करते हैं या मे वी आपके हाथ में है तो इसको आप कैसे पार्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है आपने पहले पोस्टफेक्स और इस किस्म की कार्रवाई करके कैलकुलेटर्स बनाए थे अच्छा जहाँ तक अब ये ग्रामर्स का या एट्रब्यूट ग्रामर्स का ताल्लुक है इसमें ये जो एट्रीब्यूट्स थे इनकी वैल्यूज़ को आपने देखा कि किस तरह में उनकी कॉम्पिटिशन में ठीक है पोजीशन आपको पता चल गई कि नोड के अंदर है उन एट्रीब्यूट्स की उसके लिए मैंने जगह बनाई है अलबत् उनकी कॉम्पटिशन में मैं उन वैल्यूज़ जो थी कभी मैं उसके लेफ्ट चाइल्ड से कभी उसके राइट right चाइल्ड से बल्कि आप देखेंगे कि बाज़ उसके पेरेंट्स से मुझे दरकार होगी ये जो कार्रवाई है कि मुझे दूसरों की वैल्यूज़ चाहिए इसकी बिना पे ये जो ग्रामर्स हैं एट्रीब्यूट ग्रामर्स इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है तो आइए ये क्लासिफिकेशन भी हम अब देख लेते हैं वो ये कि एट्रीब्यूट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वैल्यू फ्लो यानी कि जो वैल्यूज़ आपको चाहिए कॉम्पिटिशन में एक एट्रीब्यूट की कॉम्पिटिशन में वो वो वैल्यूज़ जो हैं वो किस डायरेक्शन में आती हैं और वो जो दो डरेक्शन हैं उनकी बिना पे एट्रीब्यूट्स फर्दर क्लासीफाई करेंगे एज सिंथसाइज एट्रीब्यूट और इन्हीटेड एट्रीब्यूट यहां पर सिंथेसिज का मतलब आप समझ गए होंगे एज एफ के हम दो तीन एट्रीब्यूट्स को जोड़ के एक नया बनाते हैं एज एफ के वो पहले से हमारे पास मौजूद हैं और उनको लेके हम एक चीज बना देते हैं इनहेरिटेड जो है ये एज एफ के हम किसी से बना बनाया ले लेंगे यानी के ऊपर हमारे जो पेरेंट है एजेफ उससे हम लेंगे और बात असल में यही है कि सिंथेसाइज़ में हम चिल्ड्रन से या अपने सिब्लिंग से लेंगे या अगर आप इनहेरिटेड की बात कर रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स से लेंगे ऑफ अ नोड वैल्यूज आर डिफाइंड होली इन टर्म्स ऑफ ऑफ नोड्स चिल्ड्रन एंड फ्रॉम कंस्टेंस आर कॉल्ड सिंथसाइज एट्रीब्यूट अब ये फिक्रा जरा लंबा है लेकिन इसमें जो और बात है वो ये कि अगर मैंने एक नोड पार्ट थ्री का नोड ले लें अगर उसमें कोई एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनकी कॉम्पिटिशन में मुझे उस नोड के चिल्ड्रन जो हैं उनकी वैल्यूज दरकार हैं एक या दो या ज्यादा चिल्ड्रन हो यहां पे मैं बाइनरी पार्ट थ्री की बात नहीं कर रहा पार्ट थ्री में तो ज्यादा नोट हो सकते हैं चिल्ड्रन नोट तो अगर मुझे चिल्ड्रन नोट से वैल्यूज लेनी पड़ी या सिंपली कोई कॉन्स्टेंट है उसको मैंने इस्तेमाल किया तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि यह एट्रीब्यूट जो है यह सिंथेसाइज्ड है इसकी मिसाल अभी सामने आपकी आएगी तो फिलहाल ये असलाह जो है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए और इसी तरह वैल्यूज यूज्ड टू कंप्यूट सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट फ्लो बार पार्सट्री ये कुछ बात समझ आती है और जो आखिरी बात कि गुड मैच फॉर एल आर पार्सिंग एजिफ के अगर मैं चिल्ड्रेन जो हैं उनके एट्रीब्यूट मैं किसी तरह मैं बना लू तो उन सारे चिल्ड्रन का जो पेरेंट है अब वो अपने कुछ एट्रीब्यूट्स अगर बनाना चाहता है इन चिल्ड्रन के एट्रीब्यूट से तो वो बना पाएगा तो एज एफ अगर मैं पार्टी बॉटम अप बना रहा हूं तो सिंथिसाइज एट्रीब्यूट्स की जो कॉम्पिटिशन है इट हैपन्स इन अ वे बॉटम अप यानी कि उसकी फ्लो जो है वो बॉटम अप होती है और ये बात कि एलआर पार्सिंग जो हमने की थी बॉटम अप उसके लिए ये बड़ी इफेक्टिव चीज है एट्रीब्यूट्स हुज़ वैल्यूज़ आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नोड्स ओन एट्रीब्यूट्स नोट सिब्लिंग्स, यानी कि उसके जो बहन भाई हैं उसके जो साथ अगर आप एक एक ही पेरेंट के चार चिल्ड्रन हैं तो वो आपके सिब्लिंग्स हैं और नोड जो है उसका पेरेंट अगर इनमें से एक या सारे जो हैं ये एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल हों एक नोड के एट्रीब्यूट की कंप्यूटेशन में तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि इन्हेरिटेड एट्रीब्यूट्स

तो इन अ वे लगता है कि ये इन्हेरीट एट्रीब्यूट्स की कॉम्पिटिशन जो है अगर आपका पार्सर टॉप डाउन में या आपका पार्सट्री टॉप डाउन फैशन में बन रहा है तो तब ये लगता है कि इसकी कॉम्पटिशन आसान होगी और यकीन ऐसा है तो दो अब टाइप्स आ गई सिंथसाइज एट्रीब्यूट और इन्हेरीट एट्रीब्यूट्स अब यहाँ पर यह जो कॉम्पिटिशन है एट्रीब्यूट्स की ये भी समझ आई थोड़ी सी उनका इस्तेमाल भी नजर आए कि पार्सट्री में वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं ये रूल्स जो हम बना रहे हैं उनकी कॉम्पिटिशन किस तरतीब में हो रही है और एक्चुअली इस तरतीब के बिना पे अब ये सिंथिसाइज और इनहेरिटेड वाली बात शुरू हो गई अच्छा ये बात मैंने ज़रूर कही थी कि हम पार्सिंग करेंगे ये जो सारा एट्रीब्यूट ग्रामर वाला मामला है इसके लिए हम कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं लिखेंगे ये हमारा पार्सर ही किसी तरह इनको फायर करेगा हम पार्सिंग का इसका हिस्सा बनाएंगे और वही बात कि सिंटेक्स डेक्टेड ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला नज़र आ रहा है कि बॉटम अप अगर हम पार्सिंग कर रहे हैं याद है हमारे पास फिलहाल दो टेक्निक्स हैं और टिपिकली यही इस्तेमाल होती हैं टॉप डाउन और बॉटम अप बॉटम अप पार्सिंग में अगर मैं पार्स ट्री नीचे से रूट की जानब लेके जा रहा हूँ और किसी स्टेज पर मुझे एक नोड है उसके पेरेंट की जरूरत पेश आती है एट्रीब्यूट के हवाले से वो पेरेंट तो है ही नहीं वो तो अभी बना ही नहीं उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी अच्छा आप टॉप डाउन की तरफ आ जाइए कि टॉप डाउन अगर मैं पार्सिंग कर रहा हूँ तो मैं एक नोट पे बैठा हूँ मुझे चिल्ड्रन की वैल्यू चाहिए यानी कि मैंने एक एट्रीब्यूट को सिंथसाइज करना है वो चिल्ड्रन तो अब है ही नहीं तो ये कैसे होगा खैर इसके जवाब जो हैं ये मौजूद हैं और लेकिन आज के वक्त लेक्चर का वक्त चूँकि अब खत्म हुआ चाहता है ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे आप अपने रीडिंग मटेरियल में इन एट्रिब्यूट ग्रामर्स के बारे में और ये जो रूल्स हैं सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड एट्रिब्यूट्स के हवाले से जो बातें लिखी हैं ये एक नज़र देख लीजिए ये बातें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद इवेंचुअली ये जो रेजोल्यूशन है इनकी इसके लिए असल में हम एट्रब्यूट्स को छोड़ के एड हॉक की तरफ चले जाएंगे जिससे ये मसला हल हो जाएगा ये बातें अगले लेक्चर में तब तक खुदा हाफ